मेरा उत्तर मिला हुआ है हुजूर, मेरा पूरक स्पष्ट है कि पुराने खेसरा का सरकारी जमीन नए खेसरा में प्राइवेट आदमी के हाथ में कैसे चला गया। मत करिए, पुराने खेसरा में 20 खेसरा किसी कर्मचारी को छोड़, वो सरकारी जमीन 20 खेसरा था और नए वाले में केवल 5 खेसरा में सरकारी जमीन है। 15 खेसरा का सरकारी जमीन पैसे लेकर विभागीय अधिकारी के द्वारा प्राइवेट आदमी को दे दिया गया। ये गंभीर मामला है हुजूर, ये बहुत गंभीर मामला है कि पुराना जमीन सरकारी है और नया में प्राइवेट आदमी का हो गया। सर नहीं हुजूर, एक मिनट हुजूर, सरकार स्पष्ट करे, मेरा पूरक है कि वो जमीन या दान में दे दी गई प्राइवेट आदमी को या गिफ्ट दे दिया गया, किस कारण से पुरानी जमीन जो सरकारी थी वो नए में प्राइवेट आदमी का हो गया, इसका सरकार जवाब। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा सबसे पहले तो ये सवाल था कि अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित जो कर लिया गया है उसको कब हटाया जाएगा, तो जवाब स्पष्ट है कि अतिक्रमण खाली करने के लिए हम लोगों ने नोटिस जारी कर दिया है और अति शीघ्र हम उसको जो है वहां से अतिक्रमणकारी को हटा लेंगे। दूसरा इनका प्रश्न था कि अंचल कार्यालय में उक्त भूमि जिला परिषद का जो है वो जिला परिषद का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। जिला परिषद का अगर कोई साक्ष्य माननीय सदस्य के पास हो उपलब्ध कराएंगे तो हम उस पर तुरंत जो है कार्रवाई कर लेंगे। श्री अभिदुर रहमान, पूरक है हुजूर, पूरक है, इसी से पूरक है। एक तो पूछिए, मैं एक ही पूरक पूछूंगा हुजूर। जिला परिषद के कब्जे में ये जमीन थी, पुराने सरकारी जमीन में 20 खेसरा अलग अलग मेंशन था हुजूर, नए में केवल सरकार के पास 5 खेसरा है। 15 खेसरा जो है वो वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से निजी हाथों में बेच दिया गया, उसका दाखिल खारिज कर दिया गया। मेरा मूल प्रश्न ये है हुजूर, इसका जवाब चाहिए कि कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है, पूरा उसका जांच करा दीजिए और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करिए, ठीक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।